बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का स्टडी स्केयर से। आज हमारे साथ एक बार फिर दृष्टि सोनी जी रहेंगे जो काफी लंबे वक्त से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, हमारे लाइव शो में भी लगातार स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। दृष्टि जी आपका स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दृष्टि जी अभी ऑस्ट्रेलिया को लेकर कई तरह के कंफ्यूजन है, मैं चाहता हूं कि वो कंफ्यूजन क्लियर हो। हमने कनाडा देखा है, जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स ने कनाडा में जाकर कॉलेज ड्रॉप किए, तो अभी बहुत ज़्यादा सख्ती है वहाँ। और पिछले टाइम में हमारे खास तौर पर नॉर्दर्न इंडिया के स्टूडेंट्स, पंजाब के हो गए, हरियाणा के हो गए, दिल्ली के भी, और कुछ कुछ जम्मू, राजस्थान और हिमाचल, हमारे इन स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ाई छोड़ी थी, जिसके बाद काफ़ी सख्ती हुई। लेकिन अब इस तरह की चर्चाएँ हैं, क्योंकि अब बहुत जल्द कैपिंग इंट्रोड्यूस होगी। अभी जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज हैं, एक बार फिर हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स पर वो अपना ट्रस्ट बना रही हैं। पिछले 2-3 इंटेक्स में ऐसा देखने को नहीं मिला कि हमारे पंजाब के, हरियाणा के स्टूडेंट्स ने अपनी एजुकेशन ड्रॉप की हो। तो सबसे पहले तो ये एक अच्छा साइन है कि हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स जो रीजनल बोर्ड्स के हैं, भले ही हरियाणा बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, जम्मू शिमला हिमाचल बोर्ड हैं या राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे अब ये महसूस करने लगे हैं कि हमें वहाँ एजुकेशन लेनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया में जाकर। अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा से भी हार्ड डिसीजन ले सकता है। तो अभी रीजनल बोर्ड्स को बड़ी आसानी से ऑफर लेटर्स मिल रहे हैं, तो रीजनल बोर्ड्स के लेटर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑफर लेटर्स अभी जनवरी, फरवरी और जुलाई इनटेक के लिए दे रहे हैं? सर अभी मैं जैसे कहूँ सिनेरियो में, जो पहले पंजाब हरियाणा या स्टेट बोर्ड को यूनिवर्सिटीज़ ने बंद किया हुआ था, सो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने अब इसको ओपन कर दिया है। सो मैं अगर लट्रोब यूनिवर्सिटी की बात करूँ, चार्ल्स डार्विन की बात करूँ, फेडरेशन यूनिवर्सिटी की बात करूँ, सो 90% यूनिवर्सिटीज़ ने अब स्टेट बोर्ड के बच्चे लेने शुरू कर दिए हैं, विद द चेंज कि इन्होंने अब जो एंट्री रिक्वायरमेंट है स्टेट बोर्ड के लिए वो बढ़ा दी है। जो एंट्री रिक्वायरमेंट पहले सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए स्टैंडर्ड चलती थी 65% की, 60% की, अब ये इम्प्रूव करके स्टेट बोर्ड के लिए यूनिवर्सिटीज ने 75% 80% कर दी है। लाइक अगर हम G8 यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 80% हो गई है, अगर हम नॉर्मल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 70 मिनिमम हो ही गई है। चार्ल्स डार्विन की मैं अगर बात करूँ, स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए 85% की रिक्वायरमेंट हो गई है। सो इस हिसाब से दो बच्चे उन्होंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, बट नाउ उन्हें वो बच्चा चाहिए जो पढ़ने वाला हो। तो उन्होंने जो रिसर्च अपनी करी थी या जो बच्चे छोड़ के गए उन पे जो रिसर्च करी थी, उससे ये पता चला कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बच्चे हैं जिनने परसेंटेज अच्छे गेन किए हैं, इसलिए इन्होंने एंट्री क्राइटेरिया जो है स्टेट बोर्ड के लिए वो बढ़ा दिया है, बट बच्चे अब एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए। बिल्कुल ठीक है, एक बात क्लियर है कि जो स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छे, जिनके परसेंटेज रहे हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी अब प्रेफरेंस दे रही है। तो साफ तौर पर वो बच्चे जिनकी परसेंटेज हाई है, हाई में हम कितना काउंट करें, 70-80 से ज्यादा हम इसको काउंट करें? सर देखिए, मैं अगर बात करूं यूनिवर्सिटीज की, तो स्टेट बोर्ड का अगर बच्चा है तो 75% मिनिमम उनके कोर 4 सब्जेक्ट के लिए हमें चाहिए, क्योंकि हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आपके ओवरऑल परसेंटेज नहीं देखता, वो आपके कोर 4 सब्जेक्ट्स देखता है। कोर 4 सब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं कि एक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आ गई, इसके अलावा आपके 3 एकेडमिक सब्जेक्ट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर बच्चा मेडिकल का है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस एक लैंग्वेज इंग्लिश, तो इन चारों के जो परसेंटेज हैं वो इन्हें चाहिए हैं 75 और अबव। कुछ यूनिवर्सिटीज 70% पे भी दे रही है, बट मैक्सिमम स्टेट बोर्ड्स के लिए जो बच्चों को परसेंटेज या एंट्री क्राइटेरिया स्टार्ट होता है वो 75% से स्टार्ट हो गया है। तो अगर बच्चा स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ है, उसने अपना 10th 12th दोनों सेम बोर्ड से किया हुआ है, पंजाब स्टेट बोर्ड से, तो उसके 12th में मिनिमम 75% मिनिमम होने चाहिए। स्पेसिफिक कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने 85% तक का भी अपना क्राइटेरिया किया हुआ है, सो डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ठीक है। और मैं ना मनप्रीत चीमा जी से भी जब मैं शो कर रहा था तो उन्होंने भी मुझे बताया कि अब जो अच्छी परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स हैं वो खुद इस बात पर फोकस करते हैं कि अब उनके फंड्स में दिक्कत ना हो। हम ये मान के चले, अगर ऑस्ट्रेलिया का वीजा तेज है, जल्दी मिलता है, तो उन स्टूडेंट्स को मिलता है,
जिनकी परसेंटेज, जैसे आपने कोर सब्जेक्ट का जिक्र किया, और उसके साथ साथ उनके फंड्स जेन्युइन भी हों और प्रॉपर उनका सारा रिकॉर्ड मैनेज्ड हो, ये बच्चे या उनके पेरेंट्स इन बातों को कैसे समझें? जिनकी परसेंटेज अच्छी है वो कितने फंड्स मैनेज करें आज के टाइम में, अगर उन्होंने जनवरी या जुलाई इनटेक में एडमिशन लेनी है? सर देखिए, अगर मैं फंड्स की या फाइनेंशियल्स की बात करती हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो ये जितना एकेडमिक मैटर करता है उतना ही फंड्स एंड फाइनेंशियल्स भी जो है वो बच्चे के मैटर करते हैं। अब फंड्स एंड फाइनेंशियल्स में बेसिकली ऑस्ट्रेलिया क्या काउंट करता है कि बच्चे का एजुकेशन कौन स्पॉन्सर करेगा, मतलब मैं अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो बच्चे के पढ़ाई का खर्चा और रहने का खर्चा कौन उठाएगा। तो डेफिनेटली बच्चे पे सबसे ज्यादा या बच्चे के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है। तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि 70% स्पॉन्सरशिप पेरेंट्स की होनी चाहिए, 30% उनके ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स या अंकल आंट कर सकते हैं। अब इन्हें डॉक्यूमेंट्स किस हिसाब से चाहिए या फाइनेंशियल या फंड्स की हम अगर बात करें, तो अगर आपके पास पैसा है तो वो कम से कम 6 महीने से 1 साल पुराना होना चाहिए। अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। अगर आपका पैसा नया है तो पैसे का सोर्स चाहिए कि ये पैसा आया कहाँ से है। जी एकदम से 40 लाख रुपए आया है तो एकदम से आपके पास 40 लाख रुपए कहाँ से आया। दूसरी चीज आ जाती है आपकी इनकम जो है वो आपके फंड से रिलीवेंट होनी चाहिए। तो उस क्राइटेरिया को देखते हुए अगर हम बात करें 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस, वापसी का खर्चा, रिटर्न फेयर, प्लस आपका हेल्थ कवर, इंश्योरेंस मिला के बच्चे को 40 लाख के अराउंड आसपास का फंड रिक्वायरमेंट आती है। तो उस हिसाब से यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया ये किया है कि अगर 40 लाख का फंड है तो पेरेंट्स की एनुअल इनकम, दोनों पेरेंट्स की मिला के एनुअल इनकम कम से कम 12 लाख तो होनी चाहिए। अब एक दिन पे अगर आप ITR फाइल करके दे रहे हैं, जैसे मैं अगर बात करती हूँ, आपने 23 की ITR फिल नहीं करी है, आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही सारे साल की आपकी ITR फिल कर दी है, तो वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम वाले जो पेरेंट्स हैं या जो गवर्नमेंट जॉब वाले पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स जो बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जिनके पास फॉर्म 16 हर साल का होता है, उन पेरेंट्स के लिए कंसिडर है अगर ITR नहीं है या रिसेंटली फाइल है। तो इनके अलावा पेरेंट्स अगर किसी भी ऑक्यूपेशन को बिलोंग करते हैं तो उनकी ITR उसी फाइनेंशियल ईयर में फाइल होनी जरूरी है। तो अगर अब जैसे आपने कहा, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, मदर और फादर दोनों की जो रिटर्न है इंडिविजुअल लेवल पर 12-12 लाख होनी चाहिए? नहीं सर, दोनों की मिला के 12 लाख होनी चाहिए कम से कम। सो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम 12 लाख की रिटर्न फैमिली में फादर और मदर की हो, और उसके बाद आप थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दृष्टि मैम, बड़ा चंगा लग गया, बहुत कंप्लीट तुसी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिती। मैं भी हौली हौली हिंदी तो पंजाबी ते शिफ्ट हो गया। सो क्लोजिंग द टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।